हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपसे पॉजिटिव साथ। नमस्कार। और एक इंसान जो हमेशा न्यूज़ बना के रखता है वो है शाहरुख खान। और जब कभी भी कोई एक माइन्यूटेस्ट से भी बात होती है, वो खबर नहीं बनती, वो एक्चुअली में वायरल ही हो जाती सीधा। और स्पेसिफिकली अगर वो ये न्यूज़ हो कि भैया नेक्स्ट मूवी क्या करने वाले हैं, अगर इस तरीके की न्यूज़ हो वो बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ कुछ होने वाला है, तब भी बहुत बड़ी बात बन जाती है। तो वो ऐसा कौन सा डायरेक्टर है जो चाहता है कि मैं शाहरुख खान के साथ काम करूँ, और क्या उसने कोई इस तरीके की मूवी प्रेजेंट करी है शाहरुख खान को, क्या सच्चाई है इसके अंदर, वो आंसर करने की कोशिश करेंगे र्यूमर मिल के अंदर। और ये र्यूमर मिल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये र्यूमर मिल ये आपको थोड़ी सी गाइडेंस देने की कोशिश करता है कि किस बात में कितनी सच्चाई है। तो एक इंटरव्यू के अंदर संदीप रेड्डी वांगा साहब ने, जो कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो चुके हैं एज अ डायरेक्टर, बिकॉज इतनी बड़ी बड़ी हिट्स दी हैं, और एक जैसे कहते हैं ना कि मैनहुड को अलग तरीके से ही वो सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कुछ लोग फेमिनिज्म को सेलिब्रेट करते हैं, तो ये बोलते हैं कि मैं भी करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं व्यूअर को ये नहीं समझाता हूं कि सही और गलत चीज क्या है। तो मेरी मूवी देख के लोग सब समझ जाते हैं कि सही और गलत क्या है। अब बात करते हैं कि उनका इंटरव्यू क्या था। इंटरव्यू ये था कि मैं नेक्स्ट जिसके साथ काम करना चाहता हूं, वैसे तो बहुत सारी लाइनअप है इंक्लूडिंग प्रभास के स्पिरिट एंड ऑल दैट, फिर एनिमल पार्क 2 भी है, पर मैं शाहरुख खान के साथ भी काम करना चाहता हूं। और ये चीज उन्होंने ये भी बोली थी, मैं सलमान खान के साथ भी काम करना चाहता हूं। अब एक मूवी थी जिसका नाम था मेंटल, जो उनके रडार के ऊपर थी। ये बताया जा रहा है कि मेंटल नाम की जो मूवी है शाहरुख खान को प्रेजेंट हुई है, एंड शाहरुख खान ने इस कंटेम्प्लेटिंग। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये शाहरुख खान के पास नहीं गए, ये जो मूवी है मेंटल, ये बेसिकली शाहरुख खान नहीं बल्कि सलमान खान को सोच के लिखी गई थी, और ये अभी तक किसी को भी प्रेजेंट नहीं हुई है। तो ये जो बात है ये बिल्कुल ही सॉरी गॉसिप ही है, क्योंकि फरवरी का महीना और आधा जनवरी का महीना कुछ ऐसा गया है कि कुछ ज़्यादा गप है नहीं लगाने के लिए, कुछ ज़्यादा मूवीज़ के बारे में बात करने के लिए नहीं है। तो ये भी वन ऑफ दोज ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर सिर्फ र्यूमर है और कुछ नहीं है, सिर्फ धुआं उड़ा है विदाउट फायर, तो ये सिर्फ फॉग या स्मॉग आप समझ लीजिए। जब कभी भी होगा तब मेरे ख्याल से एक अच्छा हम वो देखेंगे, सिनेमा देखेंगे, क्योंकि अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, चाहे वो शाहरुख खान हो चाहे सलमान खान हो, दोनों का ही ऑरा डिफरेंट है, अथॉरिटेटिव है स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन प्रेजेंस बहुत शानदार है। और संदीप रेड्डी वांगा आप ऐसे समझिए कि अभी तक एक ऐसा स्टार जैसे कि रणबीर कपूर, जो इतना एक्शन ओरिएंटेशन के लिए नहीं मशहूर था, अचानक से मोस्ट वायलेंट मैन निकल के आता है, इतना वायलेंट कि यहाँ पर प्रभास का डायनासोर भी फीका पड़ जाता है, और उससे भी ऑलमोस्ट डबल का रेवेन्यू जनरेट करती है एनिमल वर्सेस सलार सुटू से। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया जाएगा इन स्टार्स को, ये तो गारंटेड है। कौन होगा मेंटल, सलमान खान शाहरुख खान, वो देखने वाली बात है। क्या ये मूवी बनेगी कि भी नहीं बनेगी, वो भी देखने वाली बात है, क्योंकि दोनों की सलमान खान की और शाहरुख खान की और भी कई सारी कमिटमेंट्स हैं, वो भी पहले पूरी होंगे। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट के साथ। हम ऐसे बस र्यूमर मिल्स को आगे लेके जाते रहेंगे और सच्चाई को जो है थोड़ा सा आपके सामने लेके आने की कोशिश करेंगे। बाय बाय।